तो मैं आज आपको इसके साइड इफेक्ट्स बताऊंगा, तो चलिए लेट स्टार्ट। इसका जो ब्रांड नेम है वो कैपोटीन है और इसके जो जेनेरिक एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है वो कैप्टोप्रिल है। 25 mg की टैबलेट है और जो इसके मैन्युफैक्चरर है वो ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन है। तो चलें अब इसके साइड इफेक्ट्स देख लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा चीज़ जो साइड इफेक्ट्स कॉज करते हैं कैप्टोप्रिल वो ये है कि लाइट हेडनेस, ये जो है बहुत सर को हल्का कर देते हैं। ये वो कंडीशन होती है जिसमें सर हल्का सा भी हिले तो फौरन जो है ना मूव करता है और बहुत हमें हिलने लगता है जिससे सर हल्का है। और देखें तो इसके पेशाब करने में मसला होता है, पेशाब या तो कम आता है या बहुत ही ज़्यादा आता है या बहुत थोड़ा आता है, पेशेंट टू पेशेंट वेरी कर रहा होता है। ये शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है यानी सांस लेने में मुश्किल होती है, स्वेलिंग होने लगती है, बहुत ज़्यादा सूजिश हो जाती है, बहुत ज़्यादा वेट गेन होता है, वजन बढ़ जाता है, चेस्ट पेन होने लगता है जिसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है और दर्द होता है चेस्ट में सीने में, पाउंडिंग हार्ट बीट भी हो सकती है इसमें यानी कि एरिथमिया, इरेगुलर हार्ट बीट और मतलब ब्लड प्रेशर नॉर्मल नहीं, और एक अजीब सी बेचैनी होती है इससे रहती है। और दूसरा सूखी खांसी होती है जिसे ड्राई कफ भी बोलते हैं हम बिना बेलगम के, वो एब्डोमिनल पेन भी हो सकता है इसमें, एब्डोमिन में पेन, कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है, डायरिया भी हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन इन कब्ज हो सकती है, डायरिया पेट भी खराब हो सकता है इससे, स्किन रैश या इचिंग खारिश स्किन पर या फिर जो रैश हो जाती है रेड कलर की वो भी इससे कॉज हो सकती है, डिजीनेस ये भी कर रही होती है, डिजीनेस यानी कि जिस तरह चक्कर आना, ड्राउजीनेस भी हो सकती है यानी गुनूदगी, फैटीग, थकावट, हेडेक भी हो सकता है यानी सरदर्द भी हो सकता है, इसके अलावा स्लीप प्रॉब्लम जैसे इंसोम्निया यानी कि सोने में भी मसला हो सकता है, और टेस्ट मुंह का जायका भी चेंज हो सकता है इस मेडिसिन को यूज़ करने से, और नौजिया भी हो सकता है यानी मतली, वॉमिटिंग, उल्टी भी हो सकती है इससे, और सोनेस हो सकती है पेशेंट के माउथ की और लिप्स की तरफ। एलर्जिक रिएक्शन, अगर किसी को एलर्जिक रिएक्शन है तो उसके क्या सिम्टम्स हो सकते हैं वो अगर इससे हो तो उससे ज़्यादातर जो है वो रैश हो जाती है, इचिंग हो जाती है, फेस जो फेस है, टंग है और जो थ्रॉट है यानी कि मुंह और जबान और जो थ्रॉट है हमारा गला उसके अंदर सूजिश हो जाती है, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है बहुत ज़्यादा, उसके बहुत चांसेस हो जाते हैं। अब इसके ख़तरनाक साइड इफेक्ट्स में देख लें तो ये किडनी फेलियर कॉज करती है, किडनी बहुत ज़्यादा किडनी के प्रॉब्लम बहुत करते हैं डिजीज़ उसके, और इसके अलावा लिवर, फैटल लिवर प्रॉब्लम्स भी कॉज कर सकती है ये, और इसके अलावा ये जो है इंक्रीज कर देती है डेंजरस लेवल तक पोटेशियम के लेवल हमारे खून के अंदर, ब्लड के अंदर, इसीलिए इसको कभी भी पोटेशियम सप्लीमेंट्स के साथ नहीं यूज़ करना चाहिए वरना बहुत नुकसान होता है। ये एक बहुत ख़तरनाक कंडीशन होती है जब आपके पोटेशियम बहुत ज़्यादा हाई हो। फैटल लिवर में अगर हो तो उसमें कैसे पता चलता है, उसमें येलो हो जाती हैं आंखें बहुत ज़्यादा, पेशाब जो है वो बहुत डार्क कलर का आता है, तो इससे ये कुछ सिम्टम्स है जिससे पता चलता है कि जो लिवर है वो उसको नुकसान हुए हैं। ओवरऑल ये बहुत अच्छी मेडिसिन है और बहुत सी कंडीशंस को, डिजीज़ को ये ट्रीट करने में यूज़ हो रही होती है। अच्छा ये तो इसके जो है ना मेन मैंने आपको साइड इफेक्ट्स बताए, इसके अलावा भी इसके बहुत से साइड इफेक्ट्स हैं, वो उनके लिए मजीद साइड इफेक्ट्स के लिए और इसके ड्रग ड्रग इंट्रैक्शन के दूसरी दवाओं के साथ अगर इसको लें तो उससे उसका इसका रिएक्शन और उससे जो नुकसान या साइड इफेक्ट्स होते हैं उसके और एडवर्स ड्रग रिएक्शंस, कॉन्ट्राडिकेशंस यानी कि किन चीज़ों में इसको यूज़ करना चाहिए और किन चीज़ों में नहीं यूज़ करना चाहिए, और खाने से पहले इसको लें या खाने के बाद यूज़ करें, तो इन सब के लिए आप अपने फार्मासिस्ट से कंसल्ट कर सकते हैं यानी फार्मडी डॉक्टर से, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी जिसने किया होता है किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से वो फार्मडी डॉक्टर होता है, उसे हम फार्मासिस्ट बोलते हैं, तो उससे भी आप इसकी मालूमात मजीद ले सकते हैं और जो दूसरी है, और ये भी क्या ये आपके केस यानी आपका जो केस है, आपकी जो डिजीज़ है आपके हिसाब से आपके लिए बेहतर भी है मेडिसिन, क्योंकि हर बंदे की जो बॉडी होती है वो डिफरेंट होती है केमिकली भी और वैसे भी यानी उसकी केमिस्ट्री चेंज होती है, तो उस लिहाज से ये आया आपके लिए मेडिसिन बेहतर है या आपको इससे अच्छी कोई और मेडिसिन दी जा सकती है या कोई और मेडिसिन आपको दी जाए तो उस लिहाज से देखना पड़ता है। तो इस सब चीज़ों के लिए आप अपने फार्मासिस्ट से कंसल्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे प्रेगनेंसी में इसको लेना चाहिए, ब्रेस्ट फीडिंग वगैरह में, तो इसकी एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ आपको, जैसा फॉर एग्जाम्पल के जैसे प्रेगनेंसी में इसको नहीं लेना चाहिए और ना ब्रेस्ट फीडिंग में, ये जो है फीटस को नुकसान देती है यानी बच्चे को नुकसान होता है इससे, और अगर एडवर्स ड्रग ड्रग इंट्रैक्शन पर देख लें, ड्रग ड्रग इंट्रैक्शन पर तो जैसे सैक्यूबिट्रियल
और जो दूसरी जैसे हाई ब्लड प्रेशर बीपी की दवाइयाँ होती हैं जैसे उसमें क्लास बता देते हैं, अर्ब्स जो होते हैं एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर जिसमें कैंडिसार्टन एपिसार्टन इरबिसार्टन वगैरह, उसके साथ इसके बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट्स और नुकसान आते हैं, रिएक्शन बहुत हैं। डायरेटिक्स से साथ भी बहुत ज़्यादा है इसके, और जो मैंने जिसने आपको पहले बताया पोटेशियम सप्लीमेंट्स के नहीं लेने चाहिए, इसके अलावा मूड स्टेबलाइजर जैसे लिथियम वगैरह और जो दूसरे हैं वो नहीं लेने चाहिए, पेन ड्रग्स जैसे एनसेड ज़्यादातर हम यूज़ कर रहे होते हैं तो वो भी इसके साथ नहीं लेने चाहिए, पेन किलर्स वगैरह, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, इसके अलावा भी और भी बहुत सी चीज़ें हैं, उन सब चीज़ों से कंसल्ट के मालूम करने के लिए आप अपने फार्मासिस्ट यानी फार्मडी डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से फ़ायदा हुआ होगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।